उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज अपना बजट पेश किया। बजट में किस वर्ग को क्या रियायतें दी गई हैं और किसे झटका लगा है, क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता हुआ है, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर कोई जानना चाहता है कि किसे क्या फायदा मिला है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि सरकार के बजट की 20 बड़ी बातें और जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार के पिटारे से किसके लिए क्या तोहफा निकला है। किसानों की आय को साल 2022 तक दोगुना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जाएगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित हुई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। पावरलूम बुनकरों को राज्य सरकार के द्वारा रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था होगी। प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP योजना के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यूपी स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। इनको PPP मोड में औद्योगिक पार्क आस्थान क्लस्टर स्थापित कराए जाने का फैसला हुआ है। इसके लिए नए बजट में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 30 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की जाएगी। रासायनिक उर्वरकों के भंडारण के लिए 150 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। किसानों को नाबार्ड से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए ब्याज अनुदान योजना के तहत 400 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। एकीकृत सहकारी विकास योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था का भी प्रस्ताव है। यूपी में 9 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इसके लिए 1950 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। सभी मंडलों में अटल स्कूल खोले जाएंगे। PGI लखनऊ में डायबिटिक रोगियों के लिए अलग नई व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत महिला और आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों का ध्यान रखा गया है। इसके तहत लाभार्थियों को 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस योजना में सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को 4% के वार्षिक ब्याज पर बैंकों से ऋण मिलेगा। इसके तहत माटी कला की परंपरागत कला और कारीगरों को संरक्षित करने के लिए बजट में 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को भारत सरकार के सहयोग से पूरा करने के लिए सिंचन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के बजट की ये कुछ मुख्य बातें थी जो हमने आपको बताई। इसके अलावा बजट में और क्या प्रावधान है, किसको क्या लाभ मिलेगा, उसे जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।